परिवार में सब बेटे बेटियां सब भाई बहन मिलकर के सुबह सुबह योगाभ्यास शुरू कर दें। ये बहने भजन गाएं? हाँ चलो भजन सुनाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही सुनाओ, वही हमें अच्छा लगता है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ आज लगभग सोतरे के अभ्यास हो जाते हैं जब हम ठीक से करते हैं। आजकल ना ऐसे अलग अलग नाम बोलते हैं योग में, रिदमिक योग, लोगों को अच्छा लगता है। रिदम के साथ माने एक के बाद दूसरा अभ्यास चालू रहे, बीच में विश्राम नहीं। तो आज जो यंगस्टर्स को बहुत अच्छे अच्छे शब्द लगते हैं ना, रिदमिक योग, पावर योग, तो मैंने कहा भाई रिदमिक योग और पावर योग क्यों, ये तो डिवाइन पावर योग, सुपर पावर योग होगा। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ हाथ सीधे सीधे देखो ऐसे ऐसे एक जैसी, तो रिदमिक योग, पावर योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, आत्म संयम योग, विभूति योग, सब एक साथ हो। लंबे लंबे श्वास पर दूसरा अभ्यास। ब्रह्म मुरारि सुरार चेतनिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम योगिक व्यायाम, योगिक एक्सरसाइज। तो अलग अलग स्तुति प्रार्थना उपासनाओं के साथ कभी आपको शिवाष्टक के साथ हमने, कभी शिव तांडव के साथ, कभी कोई भजन के साथ, कोई कीर्तन के साथ, संगीत के साथ योग करवाया। ऐसे जिसमें जितना सामर्थ्य हो, थोड़ा थोड़ा तो सभी कर लेते हैं।
अभी छोटे छोटे और भी बच्चे आ गए हमारे, 3 साल से लेके और 30 साल तक के हमारे ब्रह्मचारी आए। हाथ पूरे सीधे, कुछ ऐसे ऐसे करते रहते, पता नहीं कैसे कैसे, जो जैसे करना है वैसे ही करें। अब सूर्य नमस्कार में पीछे जाते हाथ तो सीधे रहे हैं, फिर आगे भी इस तरह से पूरे शरीर पर नियंत्रण, लंबे लंबे श्वास, पीछे झुक रहे हैं तो श्वास अंदर, आगे झुक रहे हैं तो श्वास, श्वासों के साथ में एक रूपता, लयबद्धता। कर्म योग ही श्रेष्ठ साधना, जीवन का आधार है, मूल मंत्र प्रत्येक विजय का, सब ग्रंथों का सार है। कर्म योग ही श्रेष्ठ साधना, जीवन का आधार है, मूल मंत्र प्रत्येक विजय का, सब ग्रंथों का सार है। कर्म योग ही शेष साधना। एक लगभग मार तो मध्यम गति, तब भी हो जाता है 25 से 50 बार, 100 बार तक तो सबका अभ्यास होना चाहिए युवाओं का। कर्म योग पर ही निर्भर है जीवन में हर उपलब्धि, कर्म योग बार तक लगातार 15 से 20 मिनट करते हैं तो 100 बार हो जाए, तो 15-20 मिनट सूर्य नमस्कार संडे को कर, फिर थोड़ा संडे को तो अधिक करना चाहिए। लोग संडे को भोग मिला सीता के लिए घूमते भोगवाते, सब कर्म से चलते, कर्म मूल से थान है।
एक साधारण बैठक और हनुमान बैठक, ये तो 25-25 बार अपना सबका हो रहा है। तो शरीर वज्र की भांति मजबूत बनेगा और दंड में कम से कम दो दंड तो अब अवश्य करने, और उनके 25-25 करके 50-100 ऐसे अभ्यास करने। तो 100-100 बार का अभ्यास सबका होना चाहिए। एक सप्ताह का टारगेट दे रहा हूं और फिर सबसे इंडिविजुअल करवा के देखूंगा कितना 100-100 बार। तो चलो पहले डीप से बोलते हैं अंग्रेजी में, वक्ष विकास दल, सीना उभरा हुआ, भुजाएं भी चौड़ी चौड़ी, 25-25 के दो राउंड करेंगे, गर्दन सीधी, कमर सीधी और पूरे हाथ खुले हुए, पूरी नीचे जाना है पूरा ऊपर 25 बार। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म ही परम लक्ष्य का साधन है, अकर्मण्य है दीन जगत में कर्म योगी का शासन है। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म ही परम लक्ष्य का साधन है, अकर्मण्य है दीन जगत में कर्म योगी का शासन है। तो देखो अभी पहले दिन तो 25 ही बार हो पाता है, फिर दूसरी बार करेंगे तो फिर 25 बार। अब पहले दिन ऐसे करने में ज्यादा बल लगता है और इससे अलग अलग जो मसल्स है, देखो एक होता भोगवादी दृष्टि, सृष्टि तो वैसी रहेगी, इसमें कोई हमारे सोचने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सृष्टि तो भगवान के दिव्य विधान के आधार पर निर्मित है और संचालित है। बॉडी का एक्सपोजर यदि बुरे लोगों का होता है तो लोग बुरी चीजों की ओर आकर्षित होते हैं, ट्राइसेप से लेके बाइसेप से लेकर के पूरे के पूरे शरीर का ढांचा दिव्य हो तो जो ऐसे नहीं कर पा रहे वो ऐसे ही कर ले, ऐसे में भी गर्दन सीधी, कमर सीधी पर पूरा हो। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म ही परम लक्ष्य का साधन है, अकर्मण्य है दीन जगत में कर्म योगी का शासन है। कर्म योगी के बार हुआ कुछ तो ऐसे ही जीभ निकल रहा है एक बार तो पसीना बहेगा, जब मुझे बह रहा है तो तुम्हें भी आएगा। देखो एक से दूसरे के बीच में 5-7 लंबे श्वास ले लिए
तो बस विश्राम हो जाएगा, फिर दोबारा करना। चलो फिर दोबारा 25 बार, आज तो पूरा शतक लगाना है, सब मिलकर के तो लगा ही नहीं, मारे सारे दंड लगा करके, सारे बैठक सूर्य नमस्कार लगा के 100 बार तो हो ही जाए। चलो फिर से कर पाए, थोड़े कमजोर जीव जंतु हैं, तो उनके लिए देखो ये भुजंगासन कर ले तो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा और भुजाएं भी अच्छी बन जाएंगी, पेट पीठ भी अच्छी हो जाएगी। आजकल बॉडी को शेप में लाने के लिए, बॉडी के परफेक्ट एक्सपोजर के लिए, परफेक्ट स्ट्रक्चर के लिए, अच्छा स्ट्रक्चर हो, अच्छा करेक्टर हो, अच्छे हार्डवेयर हो हमारे, अच्छा सॉफ्टवेयर, 25 बार का जीवन में सफलता चाहिए, विजय चाहिए, उपलब्धियां चाहिए, योग और कर्मयोग ही मार्ग है। बेटियां गा भी रही, 25 बार कर रहे हो ना, जिनसे तेजी से ना हो पाए वैसे ही कर ले, होले होले। बार हो ही गया, चलो खड़े हो जाओ, करीब 100 क्रियाएं करनी है। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म ही परम लक्ष्य का साधन है, अकर्मण्य है का आधार है, मूल मंत्र प्रतीक
का अभ्यास है मेरी तरह से। तो ऐसे आगे पीछे झुकने का भी अभ्यास होना चाहिए, एकाग्रता का भी अभ्यास। सरल सहज आसन जो सब कर सकते हैं, कुछ थोड़े कठिन कराएंगे, ज्यादा कठिन। जब सब थोड़ा थोड़ा योग रोज करें और छुट्टी के दिन, हॉलीडे के दिन विशेष योग करें, योग करें, यज्ञ करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, कीर्तन करें, भजन करें, इस तरह से घर का एक वातावरण बनाए। जिस किसी को देखो वही शिकायत करने में लगा है, स्वामी जी देश का वातावरण बहुत खराब है। मैंने कहा भाई चलो देश का तो खराब है, तुम अपने घर का तो ठीक कर लो, अपना अंतःकरण तो ठीक कर लो, अपनी मनस्थिति तो ठीक कर लो, परिस्थितियां भी अच्छी होंगी। समस्याएं गिनाने में लगा है हर व्यक्ति, ये व्यक्तिगत, ये पारिवारिक, ये सामाजिक, ये आर्थिक, ये राजनीतिक, ये मजहबी समस्या है देश के अंदर। अरे समस्याएं तो हैं, हमें समाधान बनना है। थोड़े से अभ्यास खड़े होकर के, बहुत से आसन हैं, थोड़े से करवा दिए, अब थोड़े बैठ करके, थोड़े उल्टे लेट के, थोड़ी सीधे लेट करके फिर प्राणायाम। योगाभ्यास का शतक पूरा होना चाहिए संडे के दिन, हाँ रविवार के दिन। सरल सरल अभ्यास, चलो मंडूकासन, शशकासन, आगे भी झुकेंगे फिर पीछे भी झुकेंगे, सुप्त वज्रासन, योग मुद्रासन करेंगे, आगे झुकेंगे पीछे भी झुकेंगे, दाएं बाएं और झुकेंगे, अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन भी करेंगे, सीधे भी बैठ के संतुलन बनाएंगे, पश्चिमोत्तानासन भी करेंगे, उष्ट्रासन भी करेंगे, तो अलग अलग आसन आगे पीछे झुकने से पूरे शरीर का संतुलन, सबके तन मन जीवन संतुलित हो। एक एक पक्ष की बात करने से जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए एक भजन गाया था बेटियों ने एक दिन, जो 10 मैंने मूल सिद्धांत कहे थे कि कैसा जीवन हो। खाली हमारे वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय या पतंजलि संगठन के लिए नहीं, सबके जीवन में कुछ दिव्यताएं होनी चाहिए। उन दिव्यताओं को ही कुछ चंद शब्दों में, जिसको मैं अभी कह रहा था, कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज, कुछ ह्यूमन वैल्यूज, कुछ मॉरल वैल्यूज, कुछ कॉमन वैल्यूज है। महर्षि दयानंद ने कहा भाई चलो अलग अलग विचार, सिद्धांत, मान्यताएं रखो और इनको छोड़ भी नहीं सकता व्यक्ति, लेकिन कुछ बातों पर तो एक हो जाओ। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, एक एक आसन एक एक की बारी करेंगे, क्योंकि वक्त कम है, बहुत कुछ करना है। ऐसे 100 अभ्यास हर दिन तो सब नहीं कर सकते, कम से कम एक दिन तो कर ले। अब लोगों ने जीवन जीने के तौर तरीकों में एडवेंचर को, इंटरटेनमेंट को, संगीत को, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठानों को, जिसको जैसा पसंद है। जो भोगवादी लोग हैं वो संडे के दिन मांस की पार्टी करते हैं, कोई बकरा काटते हैं, कोई गाय भैंस भेड़ बकरियां काटते हैं, कोई ऊंट काटते हैं। जैसे मैंने आपको एक दिन बताया कि मैं
एक बार फंस गया, दुबई गया हुआ था, अबू धाबी के एक बड़े वहां के शासक ने, जिसको वहां के क्या बोलते हैं जो शेख फैमिली के एक व्यक्ति ने अपने घर में बुलाया, और बाद में सारा उनकी बीवी बच्चों को देख करके उनका आरोग्य के बारे में सलाह देने के बाद एक 25 फीट लंबी टेबल के ऊपर ऊँटे ही काट के रख दिया। और हम गए वहाँ, हम परेशान, मैंने कहा ये क्या? बोले जी ये आपकी उसमें सम्मान में, आपके आदर में, गौरव में ये सबसे अच्छा उपहार यहाँ पर रखा हुआ है। हमको देख करके समझ में तो आ गया, क्योंकि हमने ऊँट चराया तो था, ऊँट खाया नहीं था। तो हमने कहा ये मामला उल्टा पुल्टा है। तो लोग अब बोले लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, किसके साथ? भोगों के साथ नहीं, मांसाहार के साथ नहीं, शराब के साथ नहीं, पिक्चर देखने में लगे 3 घंटे। अब थोड़ा टाइम कम हो गया तो अभी शायद 2 घंटे की पिक्चर होगी। 2 घंटे किस में लगे? खाली बैठे बैठे देख रहे हैं, कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ झूठे नाटक कर रहे हैं, झूठे नाटक, कोई सच्चा नहीं है, ना बीबी सच्ची, ना हस्बैंड सच्चा, ना बच्चे सच्चे, सब कच्चे पक्के ऐसे। थोड़े दिन पहले वही हीरोइन उसकी बीबी होती है, थोड़ी देर बाद में वही उसकी माँ बन जाती है। अब बताओ इनको। और कहते एकदम ऐसा था जी ड्रामा, एकदम रियलिस्टिक था। रियलिस्टिक कैसे हो सकता हो, सब झूठ फरेब। तो हमारा इंटरटेनमेंट किसके साथ? योग के साथ। यज्ञ चल रहा है यज्ञशाला में, हाँ, यज्ञ के साथ, संगीत के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, स्वाध्याय के साथ, तप के साथ, जप के साथ। संडे के दिन ज्यादा जप करना ओंकार का, गायत्री का, महामृत्युंजय का, और पूरा योग करना। बाकी दिन कम कम कराता हूँ, संडे को मैं आपका भी पूरा पसीना बहाता हूँ और अपना भी 1 किलो वेट कम कर लेता हूँ मैं संडे के दिन। बाकी 5-7 दिन थोड़ा बहुत कभी ज्यादा आम खा लिए, ज्यादा दूध पी लिए, कभी सोमेश्वर की तरह 250 की जगह 0.5 किलो घी रगड़ मारा तो फिर बैलेंस हो जाता है। पुरुषार्थ ही परमार्थ है, परमार्थ ही पद्मासन में बैठ के भी आगे झुकने वाला, योग मुद्रा से पीछे झुकने वाला, मत्स्यासन या सुप्त पद्मासन, आगे पीछे झुकने वाले, बैलेंस, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के
पाचन तंत्र से लेकर के पूरे मेरुदंड नाड़ी तंत्र तक, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, पाचन तंत्र, इससे स्वस्थ होता है। तो आगे पीछे एक एक मिनट एक एक अभ्यास करते हुए भजन का श्रवण भी कर रहे हैं। कैसा हो हमारा जीवन, जीवन का दिव्य आदर्श, एक सात्विक जीवन, एक आइडियल लाइफ, एक सक्सेसफुल उच्च आदर्श जीवन कैसा होता है, उसके लिए भजन में आप श्रवण भी कर रहे हैं और एक एक मिनट के लिए एक एक अभ्यास। करने से कितने पेट अपसेट है, किसी की बॉडी अपसेट है, पेट अपसेट है, दिमाग अपसेट है, पूरी लाइफ साइकिल अपसेट हो रखा है सबका। तो योग अभ्यास से ना तन मन विचार भाव कर्म पूरा सेट हो जाता है। पीछे से पकड़ लें ऐसे, जब गुरु धाम ले मिट जाते द्वंद्वों की तपन, शांति की बौछार पर गुरु हरते हैं तृष्णा जलन, घर की साधी करते रहे अपने कर्म, कर निष्ठा हो गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम, कर निष्ठा हो गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम। सबका पकड़ में आ गया था ना, बच्चों ने तो बोल दिया महात्माओं तुम्हारी भी खैर खबर ठीक है, किसी किसी ने पेट मोटा कर रखा है, और जिसका पेट मोटा है उसके भीतर कुछ ना कुछ खोटा है, कुछ घोटाला है, हाँ उसको ठीक कर, फिर पीछे भी झुकना। पीछे दो अभ्यास हो जाएंगे, पहले अर्धमत्स्येन्द्रासन, पहले मत्स्यासन और फिर सुप्त पद्मासन, दोनों हो जाएंगे। Yeah.
जब आगे पीछे झुक गए ना तो पूरी बॉडी सेट। ऐसे एक एक अभ्यास को दिव्यता पूर्वक करना। अब अर्ध मत सिंद्रासन करेंगे, फिर वक्रासन करेंगे। आगे पीछे तो झुक गए, दाएं बाएं भी घूमेंगे, तो सब दिशाओं से हमें संतुलित बनाना है शरीर को। अर्ध मत सिंद्रासन, पूरे तन का संतुलन, मन का संतुलन, जीवन का संतुलन। मैं हमेशा समग्रता की बात करता हूं, समग्रता, वैज्ञानिकता, संतुलन, समता, न्याय, अभ्युदय निश्चय, प्रवृत्ति निवृत्ति, अपराविद्या पराविद्या, त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम जिसको बोलते हैं, और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की एक साथ साधना। दूसरी ओर से कुछ केवल मोक्ष की बात करते हैं, कुछ केवल त्रिवर्ग की बात करते हैं, कुछ केवल भौतिक समृद्धि अभ्युदय की बात करते हैं, केवल कुछ मुक्ति की बात करते हैं। ये बात अधूरी है और ये हो ही नहीं सकता बिना धर्म सिद्ध हुए, बिना अर्थ के कोई समर्थ कैसे हो जाए, और बिना दिव्य संकल्पों की पूर्ति के कोई अकाम निष्काम कैसे हो पाए। छोड़ दो, तुम्हारा हो गया, एक का तो हो गया। ये सूर्य नमस्कार करता है, इसका तो हो गया, वो दंड लगाता है तो उसका शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ है। तो सुन ले सोमेश्वर पहलवान, व्यायाम के साथ आसन भी जरूरी है, नहीं तो शरीर में स्टिफनेस आ जाएगी। चलो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं संतुलित व्यायाम, व्यायाम के साथ आसन प्राणायाम और ध्यान। केवल बलवान नहीं बनना है, केवल बुद्धिमान नहीं बनना है, केवल श्रद्धावान भक्त नहीं बनना है, केवल ज्ञान योग, केवल भक्ति योग, केवल कर्म योग, केवल अभ्युदय, केवल निश्रेयस, केवल प्रवृत्ति, केवल निवृत्ति, केवल अपराविद्या, केवल पराविद्या, केवल योग, केवल युद्ध कुछ नहीं होता है। युद्धस्व विगतच्वर माम अनुस्मर युद्ध, भक्ति भी कर और युद्ध भी कर। हाँ, दूसरी ओर से अब बताओ भगवत गीता का गीत कहां गाया गया? कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। और ये युद्ध के मैदान को छोड़ के भागना चाहते हैं कायर कमजोर बुजदिल, कहते हैं मुझे तो बस, मैंने तो गीता पाठ कर लिया, अब मुझे तो कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। अरे गीता तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में गाई गई थी बावड़े, इसलिए हमारे बच्चों ने कर्म का भजन सुनाया था कि कर्म तो करना पड़ेगा भाई, पूरे घूमो, सीधा बैठ सोमेश्वर और घुटने के ऊपर से पकड़। रिलैक्स, अब ये दो दो ढाई हजार दंड लगाता है तो मसल्स में स्टिफनेस आ गई, अब आसन भी करना बेटा। हाँ, तो फिर बैलेंस ठीक रहेगा। गोमुखासन, अब जिसका पकड़ में नहीं आएगा उसकी खिंचाई करूंगा फिर मैं, पकड़। सोमेश्वर आज संकट में है, छू तो लिया
छू लिया तब भी बात ठीक है। अब देखो हमारे पास में या कई प्रकार के मॉडल है। ये सूर्य नमस्कार वाला मॉडल है सामने वाला, मैं इंडिया टीवी पर भी बता रहा था, बोले समझिए तो अब पूरी सेलिब्रिटी हो गए हैं आपके ब्रह्मचारी। युवाओं को ना बल प्रिय होता है, ऐश्वर्य प्रिय होता है, सारी सृष्टि को ऐश्वर्य प्रिय होता है। इसलिए भगवान का सबसे बड़ा नाम कौन कौन से लिए जाते हैं बोलो, भगवान, ईश्वर, भगवान हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, सबसे ज्यादा ईश्वर के बाकी नाम तो है परमात्मा और सब लेते ही है, लेकिन सबसे ज्यादा बात बात में किसका नाम आता है, भगवान और ईश्वर। भगवान किसको कहते हैं, भग ऐश्वर्य, और ईश्वर किसको कहते हैं, जिसके पास ऐश्वर्य, और जिसके पास परमेश्वर है उसको परमेश्वर कहते हैं। ऐसे माता जी तुम्हारा भी कम पकड़ में आ रहा है क्या चक्कर? ऐसे पीछे से इतना पकड़ में आना चाहिए, ऐसे पूरा देखो हथेली से हथेली लग गई है ऊपर इतना। कुछ ने तो नेग सा ही पूरा किया, ऐसे पूरा, नहीं तो थोड़े दिनों में कंधे दर्द करने लगते हैं। चलो हम तो पूर्ण मत्स्येन्द्रासन और ये सब करते थे, अभी थोड़ा हमारे अंदर भी थोड़ी तो आयु के अनुसार थोड़ी तो स्टिफनेस आती है, लेकिन एक संतुलन तो बना रहना चाहिए। चलो अब तुम्हारी एकाग्रता को चेक करते हैं, बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाओ, फिर दूसरी ओर से भी, बैठे कुछ तो लड़क ही रहे ऐसे ऐसे डह गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो रिदम के साथ करवा रहे हैं आपको आज सारे योग अभ्यास। चलो उल्टे लेट जाओ, एक एक बार से दोनों से उल्टे लेट के फिर सीधे लेट के, ऐसे लगभग 100 अभ्यास हो जाएंगे। योग शतक, अब एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, योग अभ्यास करते करते रोग तो आस पड़ोस में फटकेंगे नहीं, कल मैंने बोला था, चारों तरफ से लुटेरे घात लगाए बैठे, शत्रु घात लगाए बैठे, शुभ में प्रवृत्त नहीं होगे तो अशुभ तो चारों ओर से तुम्हें कभी भी आकर के दबोच सकता है। और जैसे आपने देखा ना हिरण चुपचाप खड़ा रहता है और सिर घात लगाए झाड़ियों में छिपा बैठा रहता है, एकदम गर्दन मरोड़ी और हो गया काम। तो चारों ओर अधर्म घात लगाए बैठा है, पाप घात लगाए बैठे हैं, रोग घात लगाए बैठे हैं, और रोगों के नाम पर भय का कारोबार करने वाले, लोगों को डराने वाले, ये ड्रग माफिया ये बैठे हुए, ड्रग माफिया लूटने के लिए बैठे हैं, धर्म के मजहबों के मत पंथों के माफिया बैठे हुए हैं, गुरुओं में भी माफिया हैं, धर्म माफिया, मजहबी माफिया, धर्म तो बहुत अच्छा शब्द, उसको भी बदनाम कर दिया लोगों, मजहबी माफिया बोले तो ज्यादा ठीक है, दवा माफिया, मजहबी माफिया,
राजनीतिक माफिया भी अलग है, उनका भी एक पूरा बहुत लंबा चौड़ा कुचक्र है। सामाजिक माफिया अलग है, सोशल वर्कर्स के नाम पर, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर, एनजीओ के नाम पर, ट्रस्टों के नाम पर कारोबार करने वाले, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी अलग रहस्यमयी दुनिया भी एक अलग है। बहुत खतरनाक मामला है। व्यापारी माफिया तो अलग है ही है, जो ग्लैमर के नाम पर, विलासिता के नाम पर तुम्हें दबोचना चाहते हैं, नोचना चाहते हैं, लूट लूट के खा गए, और हम भी लुटेरों से लुटते रहते हैं, ऊपर की ओर देखें। देह में दिव्यता, दृष्टि में दिव्यता, मन में दिव्यता, जीवन में दिव्यता। विलासिता का सामान बेचने वाले, जूते चप्पल घड़ी गाड़ी से लेकर के सुबह से शाम तक शॉपिंग के नाम पर एक अलग प्रकार की दुकानदारी चल रही है। इसलिए आपको एक भजन सुनाया था, चलो सुना देते हैं, घने दिन हो गए। दुनिया दाहरी उगणगारी जन भेद मत दी जो है, हिली मोरी निर्भर जो है। रे नहीं है, ए है बेटा। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो हरी निर्भर जो तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जो। इसका मतलब अकिंचनता में रह के वैयक्तिक जीवन में अपरिग्रह, वैयक्तिक जीवन में त्याग तप, यह हमारा सिद्धांत है। और खास बात यह है, ये जो सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, उनका भी, और जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, आध्यात्मिक लोग, और ये जो भौतिकवादी लोग हैं ना, लेनिन मार्क्स माओ और उनका गुरु कन्फ्यूशियस, वो भी ये कहता है वैयक्तिक जीवन में दरिद्रता, अपरिग्रह, अकिंचनता, तप त्याग, और सार्वजनिक जीवन में वैभव। और इसका उदाहरण है पतंजलि योगपीठ। ये इन भजनों का भाव है। कभी सोचे कि बाबा जी कहां से गरीबी की गीत गाने लग गए। तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जो है, तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जो है। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साँच कमाई जो हिली मारी निर्भर जो। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो हिली मारी निर्भर जो। छोटे छोटे बच्चों को भी भजन अच्छा लगता है, वो भी बोलते बाबा जी वो तन में गरीबी वाला सुना। तो ये गरीबी का मतलब समझा दिया तुमको, अपने जीवन में तप त्याग, अपरिग्रह, वैयक्तिक जीवन में तपस्या, सार्वजनिक जीवन में वैभव, परम वैभव, परम वैभवशाली भारत माता तभी तो बनेगी। और खुद ही चक्कर में पड़ गए, खुद ही विलासिता में पड़ गए, तो फिर भारत कहां आगे बढ़ेगा। सारा तुम ही खा गए, तुमने खा खा करके और सारा लैट्रिन बना दिया, फिर देश के हिस्से में कैसे वैभव आएगा। इसलिए तुम अपने जीवन में तप त्याग रखो, तब जीवन में जब तप त्याग होगा तो राष्ट्र में इतना वैभव होगा, इतना ऐश्वर्य होगा कि कहेंगे रे ये तो इतना अधिक हो गया है। इसलिए भारत में सेविंग की प्रवृत्ति है, सेविंग और सेवा, जितना न्यूनतम में गुजारा हो सके। और सारा ये जो बर्बादी होती है ना, खाने पीने में नहीं होती, ये होती है आडंबर में, दिखावट में, वो नहीं करना। सीधे लेटो।
कमल है जुड़ी निगाह कर लीजो। सीधे लेट करके उत्तान पादासन एक एक मिनट, नौकासन एक एक मिनट, पवन मुक्तासन एक एक मिनट करो। इनका यह में अष्ट कमल है जरी निगाह कर लीजो। अष्ट चक्रानव द्वारा देवानाम पुर अयोध्या, तेरा देह देवालय शिवालय है, तो ही शिव है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, गौतम कणाद जमनी पाणिनी पतंजलि बुद्ध है, तो शुद्ध है, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्मयम् आत्मा ब्रह्म शिवोऽहम् शिवोऽहम् अहम् ब्रह्मास्मि का तात्पर्य तू अपनी विराटता को याद रख, तू भूल मत, तू ईश्वर की संतान है, तू परम ऐश्वर्य युक्त है, परम सौभाग्य से युक्त है, सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त है, तू जीवन मुक्त है। इनका यह में अष्ट कमल है जरी निगाह कर लीजो। जन झरो के बैठ मारी सुरता झाला दही जो है हिले मारी निर्भय जो है दुनिया धारी ओगण गरी जन भेद मत दी जो है हिले मारी निर्भय जो है। उत्तान पादासन एक मिनट हुआ, अब नौकासन भी। दुनिया में चारों तरफ हाथ लगाए बैठे हैं तुम्हें लूटने के लिए लूटे रहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये लूटने वाले हैं तुम्हें, चारों ओर से चोरों ने डाका डाला हुआ है, डेरा डाला हुआ है, कभी भी आकर के दबोच लेंगे, इसलिए सावधान साधु सावधान। दोनों ओर से उठाओ गुरु चरणा में शीश नवाए के पादांगुष्ठनासन भी हो गए, उत्तान पादासन नौकासन एक एक मिनट, अब कंधरासन कर ले, पूरा पेट एकदम सेट हो जाता है, ऊपर उठा दिया और श्वास बाहर छोड़ के पेट पूरा पाताल लोक में चिपक जाता है। एक मिनट तक ऐसे रहना, गुरु चरणा में शीश नवाय के गुरु वचना में रही जो है। गुरु हमारे सामने शास्त्रों का, धर्म का, वेद का, सत्य का प्रत्यक्ष है। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयातनास्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्मान हि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम महाजनो येन गता सपन्था। बहुत प्रकार की बौद्धिक भ्रांतियां हैं, सैद्धांतिक भ्रांतियां हैं, बहुत प्रकार के मतपंथ हैं, बहुत गफलत है जिंदगी में। जैसे अपने बड़े ऋषि मुनि जीवन में साधन करते थे, साधना करते थे, भद्रम इच्छन्तरिषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमो जस्य जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु, ऐसे तुम आगे बढ़ना अपने पूर्वजों के पथ। रिलैक्स, अब जगह कम है इसलिए बाएं करवट लेते हुए बैठ जाते हैं, मरकटासन आदि फिर कभी करवा देंगे। तो अब प्राणायाम करवाएंगे, भस्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, उज्जायी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांतक अभ्यंतर, सब प्रकार के प्राणायाम करके
अपने जीवन को पूरा संवारते हैं। लंबे गहरे श्वास। यज्ञ का धूम्र चारों ओर से आ रहा है, सुगंध आ रही है गाय की घी की, गोघृत की, गुग्गल की, औषधियों की। ऐसे पूरे भारत में योग होता था, यज्ञ होता था, पंच महायज्ञों की परंपरा थी। उठकर के ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही मंत्र पाठ करते थे। अब कितने ऊंचे भाव थे, सब बोलो मंत्र एक साथ, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पोषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुतरुद्रम हुवेम प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम वयम पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रशिद्यम मन्यमानस्तुरशिद्राजा चिद्यम भगम भक्षेत्याह भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे माम धियमुदवाददन्नः भग प्रण जनय गोभिरश्वैर्भग प्रणृभृण्डिभन्तस्याम उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्वौत मध्ये अन्नाम् उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्वैज्यो हवीति स नो भग पुरहिता भवेह। सब प्रकार के ऐश्वर्य से हम युक्त हों, बुद्धि का ऐश्वर्य, भक्ति का ऐश्वर्य, बल का ऐश्वर्य, समृद्धि का ऐश्वर्य, दिव्य गुण कर्म स्वभाव, सब प्रकार की दिव्यता का ऐश्वर्य हम प्राप्त करें। भोर में उठ करके जागरण मंत्र, प्रातः स्तवन, सायंकाल सोते समय भस्त्रिका करते रहो। ओम यज्जाघृतो दूरमुदैति दैवं तत्सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भस्त्रिका प्राणायाम करो, जिस मन में भूत भविष्यत वर्तमान का बोध है, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्य, जो भी कुछ भूत भविष्यत वर्तमान वो सब मन में अंतर्निहित है। यस्मिन् ऋचा साम्य जोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भूत भविष्यत वर्तमान ऋग यजु साम, सारे वेदों का ज्ञान, सारा ब्रह्मांड हमारे इस पिंड में संहित। हम अपने आप को जाने, अपने आप को जगाएं और अपने शक्तियों को सही उपयोग में लगाएं। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे लयबद्ध होकर के करना, ऐसे सामान्य मध्यम या तीव्र गति से। भस्त्रिका, चलिए अभी वक्त की कमी है, मैंने घड़ी की ओर देखा तो तेजी से दौड़ी जा रही। वक्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, प्रवाह से बहा जा रहा है। और इस काल के भाल पर हमें इतिहास लिखना है, कपाल भाति करें। काल के भाल पर इतिहास लिखना है तो प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भूखंड विजेता कौन हुआ अतुलित यश क्रीता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी विश्राम किया। चरई वेदी की साधना है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोध, यो जागारतमृचः कामयन्ते, यो जागारतम सामानियन्ति, यो जागारतमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्य। कपाल भाती सब करें। एक सत्य कहना चाहता हूं, बड़ा सत्य जीवन का, जगत का, इस सारे जगत के कल्याण का, उपकार का। कपाल भाती अनुलोम विलोम, ये योग साधना तो करनी है। मैं कह रहा था कुछ लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ है कि हमें पूरी दुनिया में इस्लाम को स्थापित करना है।
कुछ लोगों ने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया हुआ है, हमें ईसाइयत को स्थापित करना है, पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, तबलीग की जमात में तब्दील करना है, कोई और बहावी, कोई सूफी, कोई सुन्नी, कोई सिया, अलग अलग शाखाएं हैं। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, कोई कहता है ईसाइयत में तब्दील करना है, और उसमें भी अलग अलग शाखाएं हैं, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट्स है, उसमें भी कई शाखाएं हैं, कई फिरके हैं, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में भी कई शाखाएं हैं, सिखिज्म में बड़ी शाखाएं निर्मित नहीं हो पाई हैं, फिर भी उसमें भी कुछ गुरु तो बन ही गए। ये तो मैंने मजहबी तौर पर कुछ बातें कही। कुछ हिंदूज्म में कहते हैं कि सारी दुनिया को तब्दील करेंगे, पहले हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके बाद में पूरी दुनिया को हिंदुत्व में तब्दील करेंगे। कुछ कहते हैं पूरी दुनिया में मजहब की अफीम पिला करके सारी दुनिया को नशेड़ी बना दिया है, ये मजहब की अफीम अब बंद करनी है। वैसे अफीम चाहे कितनी खाओ पियो कोई दिक्कत नहीं, खूब ड्रग ले रहे हैं, बोले मजहब की अफीम पिला करके पूरी दुनिया को इन्होंने पागल बना दिया है, पागलपंथी बना दिया है, बोले धर्म में अकल की दखल नहीं और लोगों को एकदम जुनूनी बना देते हैं, उनको जिहादी बना देते हैं। तो कहते हैं हम इस पूरी दुनिया को समृद्ध, पूरी दुनिया में समृद्धि से खुशहाली लेकर के आएंगे, समृद्धि से शांति लेकर के आएंगे, तो प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, डेवलपमेंट के नाम पर नए नए इनोवेशन, इन्वेंशन, नए नए रिसर्च और नए नए समृद्धि के सोपान चढ़ते हुए हम पूरी दुनिया में समृद्धि खुशहाली लेकर के आएंगे, सारी दुनिया को सुखी बनाएंगे संसाधनों के द्वारा, संसाधनों के द्वारा कुछ सुखी बनाना चाहते हैं, कुछ साधना के द्वारा सुखी बनाना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोग लगे हुए हैं, कोई एग्रीकल्चर में, कोई इंडस्ट्री में, कोई सर्विसेज में, कोई रिसर्च में, कोई पॉलिटिक्स में, कोई अलग अलग प्रकार के सोशल एक्टिविटीज में, कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज में, और कह रहे हैं कि हम दुनिया में सुख समृद्धि शांति कायम करेंगे, पूरी दुनिया को खुशहाल बनाएंगे, सारी दुनिया में हम स्वास्थ्य लेकर के आएंगे, समृद्धि लेकर के आएंगे, खुशहाली लेकर के आएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। किसी ने हेवन के नाम पर, किसी ने जन्नत के नाम पर, तो किसी ने गोलोक धाम के नाम पर, किसी ने हरि धाम के नाम पर, किसी ने स्वर्ग के और मोक्ष की मुक्ति के नाम पर दुकानदारी खोल रखी है। और ज्यादातर लोग एक लेवल पर जाने के बाद फिर सिर्फ फ्री बातें करने लगते हैं, ज्यादातर लोग इन सिर्फ फिरों से धरती का कितना कल्याण होगा हमको नहीं पता, इसके ऊपर ज्यादा आलोचना नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि सुबह सुबह सब योग करें, योगासन करें, प्राणायाम करें, ओंकार गायत्री का ध्यान करें, और किसी को ओंकार गायत्री में नहीं बोलना है तो मौन ध्यान करें। सुबह सुबह योगासन करें, प्राणायाम ध्यान करें, व्यायाम करें, बलवान बने, शरीर से बलवान बने, मस्तिष्क से प्रज्ञावान बने, हृदय से श्रद्धावान बने, आचरण से चरित्रवान बने, शीलवान बने। सुबह सुबह योग करें, दिन भर कर्म योग करें, अष्टांग योग के मार्ग पर चले, अहिंसा सत्य अस्तेय के मार्ग पर चले, नियमों का पालन करें, सोच संतोष जीवन में रखें, स्वयं सुखी रहें, औरों को सुख बांटें, योग करें, सहयोग करें, संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानामि। अब यदि मैं इसको वैदिक भाषा में बोलूं तो हम एक वेदमय ऋषिमय अध्यात्ममय योगमय आध्यात्मिक नैतिक दिव्य भारत, दिव्य व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र और एक दिव्य दुनिया, डिवाइन इंडिया भारत, डिवाइन वर्ल्ड, दिव्य देश, दिव्य दुनिया बनाना चाहते हैं। और इसमें कोई मजहबी एजेंडा नहीं है, कोई इसमें केवल भौतिक एजेंडा नहीं है, और मैंने कहा है बार बार, केवल भौतिकवाद, केवल अध्यात्मवाद
ये कल्याण का मार्ग नहीं है। विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यमृतमश्नुते संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यमृतमश्नुते। माना ये नाशवान है जीवन और जगत, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। यद्यपि अंतिम शाश्वत नित्य सत्य ब्रह्म है, लेकिन ये ब्रह्मांड भी तो उसी ब्रह्म की सगुण साकार अभिव्यक्ति है, उसी की तो शक्ति है। इसको जो ब्रह्मांड को झूठा बता रहे हैं वो ब्रह्म को ही के ऊपर झूठ का आरोप लगा रहे हैं। जब भगवान सत्य है, जब ब्रह्म सत्य है, तो ब्रह्मांड कैसे मिथ्या हो सकते हैं। इसलिए योगी श्री अरविंद ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। जीवन भी सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, मोक्ष भी सत्य है, और सबसे बड़ा सत्य है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति सहज समाधि सहज योग, ऐसा हो जीवन हमारा और ऐसा बनेगा जब ये जगत, जब तब चारों तरफ होगा उजियारा, जब कहीं तब कहीं पर अंधेरा नहीं होगा, संशय नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, भ्रांति नहीं होगा, दुख नहीं होगा, दरिद्रता नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई इनजस्टिस नहीं, कोई क्रूरता नहीं, कोई हिंसा वायलेंस नहीं, और युद्धों का तो प्रश्न ही नहीं। नो वार, नो वायलेंस, नो क्रूरिटी, नो लाय, कोई झूठ नहीं, बेईमानी नहीं, कहीं दुराचार व्यभिचार नहीं होगा, चारों तरफ सत्य सदाचार कायम होगा। ये है अष्टांग योग की साधना। इसको ज्ञान योग कहो, भक्ति योग कहो, कर्म योग कहो, विभूति योग कहो, आत्मसंयम योग कहो, इसको अक्षर पुरुषोत्तम योग कहो, इसको मोक्ष संन्यास योग कहो, शब्द जो दो। और इस प्रक्रिया को और इन सिद्धांतों को, इस विचार को, चाहे हम, मैंने कहा मॉरल वैल्यूज कहें, ह्यूमन वैल्यूज कहें, इसको स्पिरिचुअल वैल्यूज कहें, इसको कॉमन वैल्यूज, कॉमन पार्लियामेंट की बात आती है पूरी दुनिया में। और मैंने एक दिन कहा था कि वो दिन भी आएगा जब देशों की सीमाओं के नाम पर जो नफरत का जहर घोला जाता है, एक ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, ये राजा महाराजाओं के नाम पर, सीएम पीएम के नाम पर, इस दुनिया के अंदर जो लोग क्रूरताएं करते रहे, ये शासक, ये क्रूर राजनेता, एक दिन वो भी आएगा जब दुनिया एक परिवार बन जाएगी, एक वर्ल्ड पार्लियामेंट होगा, और सब लोग मिलजुल करके हिंसा के आधार पर नहीं, अहिंसा के आधार पर, एक दूसरे के वैमनस्य के आधार पर नहीं, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के आधार पर, आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर, ईश्वरीय विधान के आधार पर इस संसार में शासन होगा। चाहे 100, 200, 500, 1000 साल लगे, लेकिन वो भी दिन होगा जब दुनिया में एक दिन वर्ल्ड पार्लियामेंट बने, सारे देशों के नाम पर झगड़े खत्म, सीमाओं के नाम पर लाखों लाखों सैनिक लगे हुए, तोप खाने एक दूसरे की तरफ तान करके खड़े हुए, तोपों का मुंह खोल दो, अब इधर गोले दाग दो, अब इधर एटम बम दाग दो, क्या हो रहा है तमाशा, चारों तरफ विनाशकारी षड्यंत्र रचे जा रहे। तो ये है लंबी यात्रा हमारी। इसलिए कुछ लोगों को चाहे पतंजलि योग पीठ का या आध्यात्मिक यज्ञ अनुष्ठान आंदोलन अभियान समझ में ना आ रहा हो, लेकिन हम ऐसे वर्ल्ड सिटीजन्स, ऐसे डिवाइन वर्ल्ड सिटीजन्स, ऐसे डिवाइन स्पिरिचुअल सिटीजन्स तैयार कर रहे हैं, जो सामाजिक आर्थिक राजनैतिक धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में नेतृत्व की भूमिका में होंगे। देश ही नहीं, सारी दुनिया के नागरिकों को धीरे धीरे हम जोड़ेंगे आने वाले 25-50 वर्षों में। अपनी आंखों के सामने हमें काम करना है, और धीरे धीरे एक वो भी दिन आएगा जब सारा संसार, यत्र विश्वम भवत्येक निडम एकत्व अनुपश्यत परस्परम भाव अंतः श्रेयः परम अवाप्स्यत संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वी संजानानं उपासते समानो मंत्र समिति समाने समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रमभिमंत्रैव समानेन वो हविषा जहोमि समाने वाकोति समान हृदयानि वा समानमस्तु वो मनः यथा वस सहस्रम्
ये ऋग्वेद का अंतिम उद्घोष सारी दुनिया मिलकर के गाएगी। आओ साथ साथ मिलकर के चले। ये मजहब के झगड़े, ये देशों के झगड़े, ये सत्ता और संपत्ति के झगड़े खत्म करो। आओ सब मिलकर के परस्परता में पूरकता के सिद्धांत पर एक दूसरे को सुख पहुंचाते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, योग करते हुए, सहयोग करते हुए, परस्पर मिलजुल करके खुद सुखी रहे औरों को का सुख बढ़ाएं। तो एक बहुत बड़ा नक्शा मैंने खींचा, ये मास्टर प्लान है, ये स्पिरिचुअल प्लान है हमारा, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हिडन पावर्स अलग अलग तरह से बहुत डिस्ट्रेक्शन में लगी हुई है, ये सब भी परास्त होंगे, चाहे असुर शक्तियां कितनी भारी दिखे। कार्य सिद्धि सत्व भवति महताम लोपकरण, ये सत्व से सारा अशुभ का साम्राज्य ढहेगा और देवत्व की विजय होगी। सत्य मेव जयते, ये सृष्टि का अंतिम सत्य है। चलो भस्त्रिका का कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करते हुए ऐसे प्रतिदिन हमें ये योग साधना करनी है। अभी मुझे क्योंकि अगले कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, श्रद्धा आचार्य श्री का कार्यक्रम अभी आना है, पहले हम योग दर्शन सिखाते हैं। योग का दर्शन क्या है? व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ योगा? व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ योगा? व्हाट इज द गोल ऑफ योगा? व्हाट इज द पर्पज ऑफ योगा? एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? व्हाट इज द रियल पर्पज ऑफ धर्म स्पिरिचुअलिटी? व्हाट इज द पर्पज ऑफ योगा? व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर सेजेस? हमारे ऋषियों का प्रयोजन क्या था? हमारे वेद कर, हमारी अध्यात्म का योग का प्रयोजन क्या है? सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सब समृद्ध रहें, ऐसे ही सबके जीवन में सब प्रकार से दिव्यता आए, इस सिद्धांत को और हम कल आगे बढ़ाएंगे। रोज हम योग अभ्यास कराते कराते आपका सत्संग भी कराते हैं और सबके जीवन में कैसे दिव्यता घटित हो वो साधन भी बताते हैं। अब आज के अनुष्ठान को यहीं पर विराम देते हैं, इसके बाद श्रद्धा आचार्य श्री का कार्यक्रम पूरी श्रद्धा से देखें और उसके बाद इंडिया टीवी पर। आज हम कोरोना का कहर चारों तरफ बरप रहा है, कैसे कोरोना से लेकर के सब रोगों से और सब प्रकार की जो लूट खसोट चल रही है संसार में, इससे संसार के लोग मुक्त होंगे, यह हम देश के सबसे बड़े प्रामाणिक न्यूज चैनल इंडिया टीवी पर हम बताएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ